अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं इन्फोग्राफ। इसे आप अपनी कंपनी के लिए, अपनी शॉप के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आप इसको प्रेजेंटेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल को यहाँ तक ड्रॉ करके शिफ्ट और आल्ट की मदद से कॉपी करेंगे और कंट्रोल डी से एक और कॉपी बना के तीनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। कंट्रोल डी सिलेक्ट करके मिड में ले आएंगे। इसके बाद एक एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे आई ड्रॉपर से। कलर, ये कुछ कलर मैंने निकाल के रखे हुए हैं, आप भी कलर स्कीम जो आपको बेहतर लगे वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो ये मैंने कुछ रखे हुए हैं कलर, तो मैं इन्हीं को आज यूज़ करूँगा। ऐसे ही सब में अलग अलग करके कलर हमने डिसाइड करने हैं। आई ड्रॉपर, ये कलर इसमें सिलेक्ट, आई ड्रॉपर से ये कलर इसमें। अच्छा, जो आपको बेहतर लगे आप वो कलर डिसाइड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो कलर मैं डिसाइड कर रहा हूँ आप भी वही कलर यूज़ करें। कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं। अब यो इन कलर में मैंने कॉम्बिनेशन लिया है डार्क, थोड़ा सा उससे लाइट, फिर उससे लाइट, ऐसे करके मैंने इन कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है यहाँ पर। तो आपको भी जैसे ईजी लगे आप वो चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये सब करने के बाद पॉलीगन टूल लेंगे और यहाँ से इसके साइड्स को 3 रोटेट करेंगे यहाँ पे इसको, और यहाँ पे इन रेक्टेंगल्स के बिल्कुल साथ इसको सेट करेंगे। दोनों पॉइंट्स ये यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक, यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं। पेन टूल से एक लाइन लगा ली हमने, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल से दोनों के पार्ट्स अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ये और साइड्स वाली ये जो लाइंस बची हैं इसको आल्ट दबा के इस डिलीट कर दें। ऊपर वाला एरिया सिलेक्ट करेंगे हम स्ट्रोक ख़त्म करके। ये सिलेक्ट किया, इसमें ग्रेडियंट लगाया, ये ग्रेडियंट मैंने डाउनलोड किया है और आप भी इसे बना सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये पेंसिल का जो आगे हम मतलब पेंसिल अगर शार्प हुई हुई हो तो उसका वो जो कलर होता है वो कलर शो करेगा। इसके बाद रेक्टेंगल टूल लेंगे, ये यहाँ तक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसमें ग्रेडियंट लगाएंगे। वाइट वाली साइड को हम ऑप्सटी इसकी 0 कर देंगे और यहाँ से इसको सेट कर लेंगे शेड बनाने के लिए। तकरीबन यहाँ सही रहेगा, थोड़ा सा साइज में कम, ऑप्सटी 0, यहाँ से इसको बैलेंस कर लेंगे शिफ्ट के साथ यहाँ पे, और इसी को पकड़ के शिफ्ट और ऑल्ट के साथ कॉपी, कंट्रोल डी, सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको रोटेट कर लेंगे 315 डिग्री पे। ग्रुप कर लिया इसको, आर्ट बोर्ड के सेंटर में अलाइन कर लिया। इसके बाद रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको कलर हम ये मिडल वाला कलर डिसाइड करते हैं। कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से सेंड टू बैक। पेन टूल से यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। शिफ्ट और आल्ट के साथ कॉपी, यहाँ से बाहर आ रहा था इसको हमने थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर लिया और इसको यहाँ से थोड़ा सा बाहर ले आएंगे।
आई ड्रॉपर से कलर ये वाला। ये करने के बाद अनग्रुप करेंगे इसको, यहाँ से कॉपी करेंगे, आल्ट से कॉपी करके साइज़ में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं यहाँ तक। इसे हम ये लगाएंगे इसके बिल्कुल ऊपर शेडो देने के लिए। ये साइड वाला एरिया ज़्यादा है, इसको ड्रैग कर लेंगे अंदर की तरफ यहाँ तक। और ये जो एरिया हमारे पास बच गया, इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे। शिफ्ट और ऑल के साथ कॉपी। अब ये पॉइंट हमें फिर गड़बड़ कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट, ड्रैग करेंगे इसको यहाँ से। फ्लिप कर लूँगा इसे। फ्लिप करने के बाद ये जो हमने दिया था इसका शेडो, ये नीचे की तरफ आ गया, इनको सेलेक्ट करूँगा, डिलीट, ये भी सिलेक्ट किया, डिलीट, आई ड्रॉपर के साथ कलर ये वाला, ये सिलेक्ट किया आई ड्रॉपर के साथ रेड कलर। दोबारा इसे सिलेक्ट करूँगा ऑल्ट के साथ कॉपी, साइज में बड़ा कर लिया और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से बैक पे। सेम मेथड, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया। आल्ट के साथ कॉपी। अब ये पॉइंट बाहर जा रहा है, इसको दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इस पॉइंट को हम सेट कर लेंगे यहाँ से। ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आ गया, इसे सिलेक्ट किया, ये इसके ऊपर ले आए। सो ये करने के बाद ये मैंने कुछ आइकन्स डाउनलोड किए हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं आप, तो अगर तो टाइम है तो बेहतर है कि ख़ुद बना लें, नहीं तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप अपनी शॉप्स में अगर आपके पास जो सर्विसेज हैं उस सर्विसेज के हवाले से भी आप यहाँ पे पॉइंट्स दे सकते हैं, सेम लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप सर्विसेज को डिस्क्राइब कर दें कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। ऑल्ट के साथ फिर कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट, टेक्स्ट टूल लेंगे यहाँ पे, स्टेप वन, फॉन्ट ये वाला रखा मैंने 45 पे, रोटेट कर लिया इसको यहाँ पे, लेके आके छोड़ दिया। ऑल्ट के साथ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ऑल्ट के साथ कॉपी एंड पेस्ट। ये करने के बाद डबल क्लिक करेंगे इस पे और इनको कलर दे लेंगे, पहले हम रेड कलर है तो इसको डार्क थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे।
ये वीडियो यहाँ से थोड़ी सी मैंने तेज़ की है, यहाँ पे डबल क्लिक करके इनको हम नंबर्स दे देंगे 1 2 3 4। सो ये करने के बाद यहाँ पे हम शेडो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, अगर दोनों तरफ ब्लैक दे के ऑप्शन कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ। रेडियल साइज में कम, इस पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा जूम कर लूँगा, ड्रैग करेंगे यहाँ तक, सो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा इन्फोग्राफ डिज़ाइन तैयार है। सो ऐसे ही मज़े मज़े के इन्फोग्राफ डिज़ाइन आप गूगल से देख सकते हैं, वहाँ से आप बनाना चाहें तो आप इजीली बना भी सकते हैं। इसको मैं, इन सब को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो ये हमारा डिज़ाइन रेडी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।